किसानों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। एक ओर सरकार और किसानों के बीच लगातार बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई कर रहा है। एक बार फिर गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने वाले मामले पर बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस विवाद में दखल देने से इनकार किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी व्यक्त की गई। चीफ जस्टिस ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। कोर्ट किसी रैली को रोके ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को भी इस पर फैसला लेना चाहिए। वहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि गणतंत्र दिवस को सेना शौर्य दिवस के रूप में मनाती है। सेना परेड निकालती है और किसानों का शौर्य ट्रैक्टर ही है जो खेत में देश के लिए अन्न पैदा करता है। हम भी उनके साथ अपनी प्रभात फेरी निकाल देंगे और वो हमारा अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल किसानों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकाल कर ही रहेंगे। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई।